करें, कृपया शांति बनाए रखें। पूज्य महाराज श्री मंचा सिंह हो चुके हैं, मोक्ष मोक्ष, और कल आदिनाथ भगवान का मोक्ष कल्याणक है, आप सभी को विदित है। और कल अभी महाराज श्री का मंगल आशीर्वाद हम सभी को मिला है। कल इस पूरे परिसर में यहाँ पर श्री जिन बिंब विराजमान होंगे, और एक साथ लगभग 24 से भी ज़्यादा श्री जी यहाँ पर विराजमान होंगे, और यहाँ पर महाशांति धारा पूज महाराज श्री के मुखारविंद से होगी, और महामस्तकाभिषेक देखने का सुअवसर हम सभी को मिलेगा, और निर्माण लाड़ू चढ़ाने का सौभाग्य भी। यह सारा कार्यक्रम पूज महाराज श्री के सत्संग सानिध्य में हम सभी को करने का सुअवसर मिल रहा है, मनाने का सुअवसर मिल रहा है। बंधुओं, पूज महाराज श्री मंचा सिंह हो चुके हैं, और आप सभी लोग यथास्थान बैठ जाएं। जो भी महानुभाव खड़े हैं कृपया पीछे पंडाल में जगह है, इधर उधर जो भी खड़े हैं उनसे निवेदन है कृपया करके यहाँ ना खड़े हों और सामने पीछे बैठ जाएं जल्दी से। हाँ, इधर कोई खड़ा ना रहे, रास्ता है, उनको निकलने के लिए भी जगह दे दो और अपना स्थान पीछे ग्रहण कर लो। जो भी महानुभाव इधर उधर बैठे उनसे निवेदन है कृपया पांडाल जी में अपना स्थान ग्रहण करें। पूज्य महाराज श्री मंचा सिंह हो चुके हैं, महाराज श्री के मंगल प्रवचन हम सभी को अभी कुछ ही क्षणों के उपरांत महाराज श्री का मंगल उद्बोधन होने वाला है। सभी लोग अपना स्थान ग्रहण करें। हाँ, और कल प्रातः काल में पूज्य महाराज श्री के सत्संग सानिध्य में कल महा शांति धारा होनी है, और कल प्रथम अभिषेक करने का सौभाग्य भी, वह सौभाग्यशाली परिवारों को कल सौभाग्य मिलने वाला है। तो लगभग ऐसे 24 नाम 1,11,000 वाले चाहिए, जिसमें लगभग 5-6 नाम हमारे पास आ चुके हैं, और भी जिनकी भावना हुआ है अपने नाम पहले से प्रेषित कर दें ताकि आप वहाँ से व्यवस्था हो सके। और कल पूरे पंडाल में कल श्री जी यहाँ पर विराजमान होंगे, और यह एक अनूठा कार्यक्रम कल होने जा रहा है। बंधु, हम सभी का परम सौभाग्य है। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंदे कुंदा देव जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वे मंगल मांगल्यम सर्वे कल्याणकारिकम प्रधानम सर्वे धर्माणम जैनम जयतो साशिनम वंदे विद्या सागरम। अब चलते हैं, अपन ज़्यादा समय ना लेते हुए, बाहर से हमारे पीछे बहुत सारे दूर दूर से श्रद्धालुगण पधारे हैं, केसली से, टड़ा से, सायपुर से, पथरिया से, बरा से, केरबना से, गड़ाकोटा से, और दलपतपुर से, ललितपुर से, दमोह से, सब जगह से आए हैं सकल दिगंबर जैन समाज मंडा। बाहर से जो भी महानुभाव पधारे हैं सभी का हार्दिक वंदन अभिनंदन करती है। हाँ, और यह सारथी सेवा समूह यहाँ पर अपना कार्यक्रम प्रसारित कर रहा है, लगभग 22 देशों में यह कार्यक्रम चल रहा है, यह लाइव चैनल आप यहाँ अपने टीवी में भी देख सकते हैं। चलेगा, चलते हैं पूज महाराज श्री के पावन सी चरणों में। घड़ी देना भैया, घड़ी दे। हाँ, हेलो। और वास्तव में यह बहुत अनूठा कार्यक्रम चल रहा है, सकल दिगंबर जैन समाज बंडा के सभी नाविकों ने बहुत हर्षोल्लास के साथ उत्साह दिखाते हुए और आज की यह भव्य आगवानी की है। सभी सौभाग्यशाली हैं, सभी पुण्यशाली हैं, और टेस्ट कमेटी, प्रबंधकारिणी कमेटी ने भी बहुत अपना अमूल्य समय महाराज श्री के चरणों में दिया है, वो भी सौभाग्यशाली हैं। चलते पूज महाराज श्री के पावन सी चरणों में और करते हैं निवेदन। हे महाराज श्री, आप अपनी मंगलमयी वाणी से हम सभी को उद्बोधन देने की कृपा करें। पूज महाराज श्री नमो। सभी पंच नमस्कार मंत्र का स्मरण करेंगे। अरिहन्ताडं अडमो सिद्धाडं अडमो अडमो
अडमो लोए सब साहूडम हानित घटती आयु है पर पाप मति घटती नहीं आई बुढ़ोती पर विषय से कामना हटती नहीं मैं यत्न करता हूँ दवा मैं धर्म मैं करता नहीं दुर्मोह महिमा से ग्रसित हूँ नाथ बच सकता नहीं। जय बोलो 108 कुंडलपुर के बड़े बाबा की मुन्ने 108 आदिनाथ भगवान की परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की परम पूज्य निर्यापक मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की आज सुबह ऐसा लग रहा था कि बंडा में पूरा सागर संभाग आ गया। पंचकल्याणक जैसे भीड़ यहां पर दिख रही थी। इतनी भीड़ हम सन 2002 में आए थे यहाँ पर ब्रह्मचारी अवस्था में, जब आचार्य भगवान के माध्यम से यहाँ पर पंचकल्याणक महोत्सव चल रहा था, तो उस समय भी ऐसी ही भीड़ दिख रही थी। और आज पूज्य मुनिश्री की आगवानी में आप लोगों ने दिखा दिया कि बुदेलखंड में कैसे आगवानी होती है। वैसे तो राजस्थान से हम लोग बिहार करते करते गांव-गांव पांव-पांव चल के आ रहे हैं, और जैसे बुदेलखंड प्रारंभ हुआ तो ये भीड़ बिल्कुल भी कम नहीं हो रही है। हाँ, ऐसी भीड़ बीनागंज से प्रारंभ हो गई, वहाँ से जामनगर लटेरी सिरोंज ठिमलासा बीना ये सब होते हुए यहाँ आए हम। सब जगह बहुत श्रावकों ने आकर के आगवानी की स्वागत किया। थोड़ा सा कम कर, लेकिन हमारा कहना ये है कि इस आगवानी का महत्व तो जानते हो क्या होता है। इस आगवानी का महत्व तो ये है कि आप लोग भी ऐसा काम करो कि जिससे आपकी भी आगवानी ऐसे ही हो। जैन दर्शन विश्व का एक ऐसा दर्शन है, मात्र एक ऐसा दर्शन है जिस दर्शन में प्रत्येक प्राणी के अंदर परमात्मा बनने की योग्यता कही गई है। ऐसा कोई भी दर्शन नहीं है जहाँ पर प्रत्येक प्राणी को आत्मा को परमात्मा बनाया जाए, लेकिन जैन दर्शन ये कहता है एक इंद्रिय से लेकर के संगी पंचेंद्र तक के जितने भी जीव हैं, इन सभी जीवों के अंदर वह संभावनाएं विद्यमान हैं। एक इंद्रिय का जीव भी अगर पुरुषार्थ करता है तो वह अपने समस्त कर्मों को नाश करके मुक्ति पा सकता है। इसका उदाहरण भरत के 923 पुत्र जो निगोस से आए या गिजाई पर्याय से आए, उन्होंने वहाँ से उस पर्याय को छोड़कर के सीधे मनुष्य भाव धारण किया और यहाँ पर आकर के आदिनाथ भगवान के समोसरण में दीक्षा ले ली। 8 वर्ष तक वो बोले नहीं अपने पिता से अपने माँ से, लेकिन जैसे ही चक्रवर्ती ने पूछा भगवन ये कैसा हो रहा है, क्या चक्रवर्ती के कुल में विकलांग होंगे क्या, जैसे ही उन्होंने इतना प्रश्न पूछा तो वहाँ पर दिव्य ध्वनि के माध्यम से ये कहा गया ये सब भव्य जीव हैं, ये तुमसे बात नहीं करेंगे, ये हमसे बात करेंगे। और वहीं पर वो 923 पुत्र भगवान के समोसरण में
भगवान दीक्षाम देही कह करके और दिगंबर रूप अंगीकार करके केस लुंच करके वहाँ ध्यान मग्न हो गए। ये घटना ये बताती है कि अगर हम चाहें तो क्या नहीं कर सकते हैं। प्रत्येक व्यक्ति अगर चाहे ले मुझे मुक्ति प्राप्त करनी है तो मुक्ति आपको प्राप्त करने में कोई भी रोक नहीं सकता है, लेकिन उसके पूर्व जो भ्रांतियां, जो ममत्व, जो राग, जो द्वेष हम अपने अंदर पाल करके बैठे हुए हैं, उस भ्रांति को हमें ही तोड़ना, संसार के संबंधों को जो वियोग के साथ हैं उन वियोग के संबंधों को हमें ही छोड़ना पड़ेगा। जैन धर्म कहता है तुम अगर बुद्धिपूर्वक छोड़ देते हो तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, नहीं तो अबुद्धिपूर्वक सब छूटना ही है। क्या होना है? हाँ, तो सम्यक दृष्टि के अंदर यह बात भली प्रकार से उद्घाटित हो जाती है। जब यह जीव मिथ्यात्व का त्याग करता है, सम्यक्त्व की उत्पत्ति जब इस जीव के अंदर होती है, तो यह जीव उस सम्यक्त्व के माध्यम से यह ज्ञान प्राप्त कर लेता है कि इस संसार में आने का मेरा उद्देश्य क्या है। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, ये शरीर जो है मात्र धर्म साधन के लिए मिला हुआ है। अब ये बात अलग है कि आप लोग भोगों में रम करके इस शरीर का दुरुपयोग कर देते हो और ये शरीर रोगमय होकर के आपको कष्ट पहुंचाता है, लेकिन पुद्गल के उपकारों में सबसे बड़ा उपकार ये शरीर के रूप में इस आत्मा को प्राप्त हुआ है। ये शरीर पुद्गल का उपकार के रूप में मिला है। इस संसार में जितनी भी वस्तुएं आप देख रहे हो, जिनका भी भोग कर रहे हो और जिनको भी आप अपना कह रहे हो, इसमें से एक भी वस्तु तुम्हारी नहीं है सिवाय आत्मा के। ये सारे के सारे पौद्गलिक परमाणु वस्तुओं का रूप लेकर के आपके सामने उपस्थित हैं, चाहे वह शरीर हो, चाहे शरीर आश्रित संबंध हो, या इस शरीर के माध्यम से भोगने वाला भोग हो, ये सब का सब पौद्गलिक है, सब का सब पौद्गलिक है। इसमें तिलतुस मात्र भी आपका नहीं है। सुन रहे हो? हाओ तो कहो, समझ में आ रहा है? हाओ, हम जो समझावो चाह रहे हैं कि जैसे पड़ोसी की कार है 2 करोड़ रुपया की और तुम उके ऊपर हाथ रख के सेल्फी खींच लो और कहो कि जब हमारी आए तो तुम्हारी हो जाएगा? बताओ हमें, हम तुम्हारी भाषा में बोल रहे हैं, अब हम बुदेलखंडी में बोल रहे हैं। जैसे पड़ोसी की कार में हाथ रख के फोटो खिंचवा लो तो बस तुम्हारी ना हो है, वो तो की कहा है, जी की आए उकी कहा है। ऐसे ही ये शरीर हमारा नहीं है, ये तो पुद्गल का है, और पुद्गल की वस्तुओं को अपना कहना मूर्खता है। जड़ वस्तु के कारण आज ये जीवात्मा जड़ जैसी हरकत करता है। आचार्य श्री कहते हैं हमारे कि इस जड़ वस्तु की संगति से अच्छा है एक पागल की संगति कर लो। सुन रहे हो? क्या कहते हैं आचार्य श्री? एक जड़ वस्तु की संगति करने से अच्छा एक पागल की संगति कर लो, वह पागल तुम्हें वीतरागता का उपदेश देगा। क्या देगा? जड़ वस्तु कभी भी वीतरागता का उपदेश नहीं देगी, लेकिन एक पागल के माध्यम से उसकी एक्टिविटीज, उसकी जो क्रियाएं हैं, उसे आप देखो, जो मिला खा लिया, जहां रहा वहां से रह लिया, जो पहनने को मिला पहन लिया, ना नहाया ना धोया, शरीर से कोई राग नहीं है। एक पागल अगर संकेत करता है तो वीतरागता की ओर संकेत करता है। आप भले उसे पागल कहो, गुरु महाराज कहते हैं बोलने वाला पागल है। कौन है वो पागल? तो वीतरागता दिखा रहा है, भले वह विक्षिप्त अवस्था में दिखा रहा है, लेकिन देखने वाली की दृष्टि में उस पागल में क्या नजर आएगा? वीतरागता नजर आएगी, क्योंकि
जब कभी भी इस जीवात्मा का कल्याण होगा तो वीतरागता के माध्यम से ही होगा। राग से आज तक किसी का कल्याण ना हुआ है और ना होगा। ये राग आग दहे सदा, ताते समामृत से ये चिर विजय विषय कसाई, अब तो त्याग निज पद बे ये। पंडित जी दौलत राम जी ने कह दिया, ये राग तो आग के समान है, हाँ, और इस राग के कारण आप लोग मिथ्यात्व में आकर के मोही बनकर के अपने स्वरूप को भूल करके इस जड़ वस्तु को अपनी कहते हो। महाराज जी, जो हमाओ मकान आए, जो हमारी खेती आए, जो हमाओ प्लाट आए, जो हमाओ कारखाना आए, अरे भैया तुम्हारा क्या है? जहाँ देह अपनी नहीं, ये सब जो कुछ भी मिला है इस संसार में पुण्य के महाजन का कर्जा है। किसका कर्जा है? हाँ, सबने पूर्व में पुण्य किया था, सुन रहे हो? आज यहाँ पर बंडा के लोग नहीं बल्कि आसपास पूरे आंचल के लोग आए हैं, पूरा अंचल आज यहीं पर विराजमान है बंडा में। सब कोई ध्यान से सुनियो कि वर्तमान का जो पर्याय है ये पूर्व के पुण्य के फल के रूप में आपको मिल गया है। सुन रहे हो? क्या समझ में आओ? आज वर्तमान में जो कुल मिला है, जो वीतरागता की शरण मिली है, यह आपको क्यों मिली? गुरु जी कहते हैं प्रत्येक कार्य में क्वेश्चन मार्क लगाओ। क्या लगाओ? हाँ, प्रश्न चिन्ह लगाओ कि मुझे यह पर्याय क्यों मिली? जरा सोचो तो, चिंतन करो। आचार्य श्री कहते हैं इनको सोचने के लिए कुछ शब्द ऐसे दो कि इनके अंदर वह सत्य जो छुपा हुआ है वो सामने आ जाए। क्या आ जाए? क्योंकि हम जब तक सत्य को नहीं समझेंगे, सत्य को जानेंगे नहीं, सत्य को स्वीकार नहीं करेंगे आचरण के रूप में, तब तक हमारी सारी क्रियाकलापें एक ढोंग के जैसे हैं। कैसे हैं? हाँ, ढोंगी कहला हूँ। क्या कहला हूँ? सत्य को सामने रख करके ही सारी क्रियाओं को करने के लिए कहा गया है। और जीवन का सबसे बड़ा सत्य दिगंबरत्व तो है, वीतरागता है। और इस सत्य को कोई भी दर्शन झुठला नहीं सकता है। यहाँ तक कि प्रकृति भी आपके सामने इस सत्य को उद्घाटित करती है कि देखो भैया आए कैसे थे, बताओ ना। जैसे हम बैठे हैं वैसे ही आए थे, और जाहों कैसे? हैं, जरा सोचो। एक प्रश्न पूछ रहा हूं आप लोगों से, जितने यहां पर बैठे सुन रहे हैं। कर्म अगर यह व्यवस्था देता कि यहां पर जितनी भी संपत्ति आपने कमाई है उसे परलोक में ले जाते, आप सुन रहे हो? पीछे वाले हो तो कहो, ऊंघ रहे का आज? क्या कि आज बंडा में माल बनो तो बहुत भोजन में है। तीन चार प्रकार की मिठाई हमने सुनी बनी थी आज बंडा में। खावे के बाद कहो तो नींद बहुत आते है। क्या प्रश्न किया हमने आपसे कि अगर कर्म यह व्यवस्था देता आपके सम्मुख कि आप यहां पर जो संपत्ति कमाई आपने उस संपत्ति को आप परलोक में ले जा सकते हो, जरा सोचो संसार का क्या स्वरूप होता। सोचो, थोड़ा सा चिंतन करो। अगर यहां की संपत्ति जो हमने कमाई है परलोक में ले जाने की छूट मिल जाती तो क्या स्वरूप संसार का होता? क्या धर्म होता? क्या आपस में संबंध होते? क्या मैत्री भाव होते? सद्भाव होते? क्या दया के परिणाम किसी का होता? क्या अहिंसा आपके सामने होती? नहीं, मार काट के अलावा कुछ नहीं होता। लेकिन प्रकृति ने, कर्म ने, सिद्धांत ने यहां पर पूर्ण विराम लगा दिया। हे, तो कितनी भी होशियारी कर ले, कितनी भी आपाधापी कर ले, कितनी भी मायाचारी कर ले, कितनी भी धन संपत्ति जोड़ ले, याद रखना कफन में जीव नहीं होती। क्या कह दिया उसने? कफन में
जीभ नहीं होती है। जो कुछ तुमने कमाया है पुण्य के उदय से कमाया है और सब संपत्ति यहीं छोड़कर जानी पड़ेगी। तिलतुस मात्र भी आप यहां से लेकर नहीं जा सकते। हां बस अब यहां पर यह कार्य आपको आज से शुरू करना है। जो विभ्रम जो भ्रांति जो कुबुद्धि हम अपने अंदर पाल करके रखे हैं, जो पर वस्तुओं को अपना कह रहे हैं, आज से हमें उन पर वस्तुओं को पर मानना है। क्योंकि सम्यक दृष्टि जब भी प्राप्ति होती है उस सम्यक दृष्टि के पास में यही सबसे बड़ा भेद विज्ञान आता है। चाहे वह सम्यक दृष्टि चतुर्थ गुण स्थान का हो चाहे वह और उपरिल गुण स्थानों का हो, लेकिन सम्यक दर्शन होते ही ज्ञान भी उसी समय सम्यक हो जाता है, ऐसा सिद्धांत कहता है। जिस समय सम्यक दर्शन की प्राप्ति होगी उसी समय आपका ज्ञान सम्यक हो जाएगा और सम्यक ज्ञान होते ही वह सम्यक ज्ञान आपको रास्ता दिखाएगा, बतलाएगा कि नहीं इस शरीर के इस आत्मा के अलावा संसार में सब कुछ क्या है, पर है। ये जब आत्मा की पर्याय बन जाता है तभी सम्यक दर्शन प्राप्त होता है, ऐसे नहीं होता है। और सम्यक दर्शन को मोक्ष मार्ग की प्रथम सीढ़ी कहा है। क्या कहा है? प्रथम सीढ़ी। अब प्रथम सीढ़ी जब आपको मिलेगी, जब आपके अंदर यह दृढ़ विश्वास आत्मा की पर्याय का रूप ले लेगा कि इस शरीर में जहां देह अपनी नहीं तहां ना अपना कोई, घर संपत्ति पर प्रकट है पर है परिजन, ये पंक्तियां अपने जीवन का स्वभाव बनना चाहिए। क्या बनना चाहिए? हाँ, क्योंकि हमें अपने आत्मा की ओर आने से रोकने वाला तत्व कौन सा है? मिथ्यात्व है, अज्ञान है, ये सब हमारे उस स्वरूप की ओर आने से रोक देते हैं हमें। और उसके मुंह में आकर के सभी की बुद्धि जो होती है धृतराष्ट्र के जैसे हो जाती है। कैसे हो जाती है? जैन दर्शन में धृतराष्ट्र अंधे नहीं थे, पुत्र के मुंह में इतने मोही थे वो कि उन्हें अंधा कह दिया। क्या कह दिया? वैष्णो दर्शन में तो उन्हें अंधा बनाया है लेकिन जैन दर्शन में उन्हें अंधा नहीं कहा है, वो मुंह के कारण अंधे हो गए थे। कैसे हो गए थे? मुंह के कारण। क्योंकि हमारे ज्ञान को अज्ञान के रूप में बदलने वाला कौन है? हाँ, पूज्यपाद स्वामी जी ने इष्टोप देश में कालिका के माध्यम से कह दिया, मोहेन समृतम ज्ञानम स्वभावम लभते नहीं, मत्तः पुमान पदार्थानाम यथा मदन को द्रवही। जिस प्रकार शराबी व्यक्ति जो हुआ करता है, शराब पीने के बाद में उसे होश नहीं रहता, वो कभी बेटी को माँ कह देता है तो कहीं पत्नी कह देता है तो कहीं बेटी, कुछ भी कह सकता है वो। इसी प्रकार से मुंह से जो गाफिल हो जाता है उसका ज्ञान अज्ञान के रूप में बदल जाता है। इस संसार में उसे कितना भी समझाओ उसे समझ में नहीं आता है। जैन धर्म की सबसे बड़ी विशेषता यही है, भगवान की जब दिव्य ध्वनि खिरती है ना, उस दिव्य ध्वनि में भगवान किसी को यही बोलते, इते आओ तुम्हें महाराज बनने हैं, इते आओ तुम्हें वृति बनने हैं, श्रावक बनने हैं। सत्य का स्वरूप जो होता है उसका उद्घाटन भगवान अपनी दिव्य देशना के माध्यम से करते हैं। और सबसे पहले यही ध्वनि उच्चरित होती है कि मुनि धर्म के माध्यम से ही, रत्नत्रय की आराधना के माध्यम से ही यह जीव अपने उस मूल स्वभाव को प्राप्त कर सकता है। इसके अलावा और कोई भी मार्ग हमारे यहाँ उस आत्मतत्व की उपलब्धि का नहीं बताया गया है। अब उस दिव्य ध्वनि में जो थोड़ा सा कमजोर होते हैं, मुनि नहीं बन पाते हैं, तो उनको अणुव्रतों का उपदेश दे दिया जाता है। घरमा ही तृष्णा जो घटावे, रुचि नहीं संसार सो। महाराज अभी हम छोड़ नहीं पा रहे हैं, कोई बात नहीं, दूसरा मार्ग ये है। और बोले ये भी नहीं अपना पा रहे हैं तो बोले भैया कम से कम सम्यक दृष्टि तो बन जाओ। लास्ट में ये उपदेश श्रावक का दिया जाता है। हाँ,
अब सम्यक दृष्टि श्रावक भी कौन कहलाएगा? आप लोग सम्यक दृष्टि हो कि नहीं, ये निर्णय आपको स्वयं करना है। किसे करना है? स्वयं करना है ये निर्णय आपको। और वह निर्णय कब होगा? क्योंकि चतुर्थ गुण स्थान में मात्र एक धर्म ध्यान है, आज्ञा विषय धर्म ध्यान। कौन सा धर्म ध्यान है? थोड़ा सिद्धांत की चर्चा कर रहा हूं, समझने का पुरुषार्थ करना। धर्म ध्यान का जो प्रारंभ होता है वह आज्ञा विषय धर्म ध्यान के माध्यम से चतुर्थ गुण स्थान बनता है। और उस आज्ञा विषय के अंतर्गत आपके सामने ये कह दिया गया है कि अगर आप जिनवाणी माता की आज्ञा का पालन करते हो तो आप उस पद के योग्य हो। संसार में ये देखा जाता है कि जितने भी वैकेंसियां निकलती हैं नौकरियों के लिए, उस पद के योग्य आपको क्वालिफाई जो होता है उसी को नौकरी दी जाती है, उसी को पद दिया जाता है। क्वालिफाई नहीं हो तो पद आपको नहीं मिलेगा। अब हमारे यहाँ का जो मोक्ष मार्ग का पद प्रारंभ होता है वह चतुर्थ गुण स्थान से होता है। अब उसकी क्वालिफाई योग्यता क्या है? षट आवश्यक। कौन सा? देखो, तीर्थंकरों ने अपने उपदेश के माध्यम से महाव्रति, अणुव्रति और सम्यक दृष्टि श्रावक, ये तीन ही पद बताए हैं। और महाव्रति, अणुव्रति और सम्यक दृष्टि श्रावक चतुर्थ गुण स्थान वर्ती। अब इसके नीचे का पद तो आप जानते हो, मिथ्यात्व को लेकर के है, तो मिथ्यात्व तो है ये तृतीय गुण स्थान तक। अब इस गुण स्थान में जो चौथा गुण स्थान श्रावक का कहा गया है, उस चौथे गुण स्थान वर्ती श्रावक की क्या योग्यताएं होनी चाहिए? उस योग्यता के अभाव में आप उस पद के लायक नहीं रहोगे। तो सबसे पहले दिव्य ध्वनि के माध्यम से तीर्थंकरों ने श्रावक के लिए षट आवश्यक बताए। क्या बताए? जो श्रावक प्रतिदिन, बंडा वालों सुनो, क्योंकि सवेरे महाराज जी ने यहां पहले तो बुराई की फिर तारीफ भी की थी कि यहां पर दो दो शराबी अध्यक्ष के बीच में उनका चतुर्मास हुआ था, लेकिन बाद में यह भी कहा था महाराज ने हमारे कि ये त्यागी व्रतियों की नगरी भी है। बहुत सारी आर्यकाएं और मुनि महाराज और ब्रह्मचारिणी ब्रह्मचारी हमारे संग में यहां पर के बहुत निकले हुए हैं। तो प्रत्येक सम्यक दृष्टि के अंदर ये षट आवश्यक की भावनाएं होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? हाँ, 24 घंटे में आप कुछ करो ना करो। मैंने एक दिन प्रवचन किए थे चांदखेड़ी में, एक घंटे आत्मा के लिए और एक घंटे शरीर के लिए निकालो। किसके लिए? शरीर के लिए। किस लिए महाराज? एक्सरसाइज करने के लिए। क्या करने के लिए? प्राणायाम, योग करने के लिए, वॉक करने के लिए। शरीर स्वस्थ रहेगा, क्या रहेगा। और एक घंटे आत्मा के लिए इसलिए कहा कि संसार की जितनी भी आपके रिक्वायरमेंट है, जरूरतें हैं, आवश्यकताएं हैं संसार की, वो कहाँ से पूरी होंगी? पुण्य से। कहाँ से पूरी होगी? देखो, पुण्य को आप इग्नोर मत करना, और बिना पुण्य के न मोक्ष मार्ग चल सकता है और न संसार मार्ग चल सकता है। दोनों को चलाने के लिए आचार्यों ने पुण्य की प्राप्ति के लिए पुरुषार्थ बताया है। हाँ, पुण्य को नसेनी कहा है। क्या कहा है? पुण्य को क्या कहा है? नसेनी। नसेनी को अगर ऊपर लगा दो तो ऊपर पहुंचा देगी, और कुएं में लगा दो तो नीचे पहुंचा देगी। जो व्यक्ति पुण्य का दुरुपयोग करता है वह व्यक्ति उस पुण्य के दुरुपयोग से कहाँ चला जाता है? नीचे चला जाता है। और जो पुण्य का सदुपयोग करता है तो वो कहाँ चला जाता है? सिद्धशिला में चला जाता है। यानी संसार की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भी पुण्य चाहिए। सबसे पहले आप ये भ्रांति अपने मन से मिटा दें कि संसार में आकर के मैंने अपने पुरुषार्थ के बल पर ये एम्पायर खड़ा किया। मूर्ख है जो ऐसा बोलता है। कौन है?
जो अगर ये कहता है कि संसार में आने के बाद में ये संपत्ति, ये पद, ये प्रतिष्ठा, ये ख्याति लाभ पूजा मैंने अपने बल पर अर्जित की है, तो वो व्यक्ति मूर्ख है ऐसा कहने वाला। क्यों नहीं, ये सब पुण्य प्रकृति के उदय से मिलती हैं और पुण्य प्रकृति के उदय से आपको ये प्राप्त हुई है, इसमें आपका कुछ भी नहीं है। ये सब किसका है? पुण्य प्रकृति भी पौद्गलिक है। पुण्य और पाप को जोड़ दो तो पदार्थ हो जाते हैं, सात तत्व में दो जोड़ने से नौ पदार्थ हो गए। ये सब पुद्गल के ही उपकार हैं आपके ऊपर। पुण्य पाप भी किसका है? पुद्गल का है, क्योंकि मोक्ष मार्ग में इन्हें साधन के रूप में अपना करके और एक दिन वह साधक इसका भी परित्याग कर देता है। अब देखो हमारे गुरु जी को कितना पुण्य है उनका, लेकिन उन्होंने उस पुण्य का अर्जन जो किया है त्याग से किया है। किससे किया है? त्याग करने से ही पुण्य का बहुत अवसर होता है, और उस पुण्य के प्रताप से ही आज जो कुछ उन्हें मिला है वो पुण्य के प्रताप से। लेकिन गुरु जी बहुत कंजूस हैं। क्या है? खाने में भी कटौती कर दी, सब रसों का परित्याग कर दिया। अब बताओ, इतनी सारी दीक्षाएं दे दी, इतनी सारे त्यागी वृत्ति बना दिए, हम लोग जो कुछ भी साधना करते हैं उसका छठवां हिस्सा तो गुरु जी के पास चला जाता है। क्या हो गया? हमारा हिस्सा तो गया, अपना हिस्सा भी वो जोड़ ले रहे। अब देखो कितने होशियार हैं हमारे गुरु जी। जितना आप लोगों को, हम लोगों को वृत्ति महावृत्ति त्यागी वृत्ति बनाया, उनका छठवां हिस्सा तो जा रहा है और अपने त्याग का भी वो जोड़ते जा रहे हैं, अपनी साधना का भी जोड़ते जा रहे हैं। इससे ये सिद्ध होता है कि मोक्ष को प्राप्त करने में कितना सारा पुण्य चाहिए। गुरु जी से सीख लो आप लोग क्या करना है। हाँ, वो जानते हैं कर्मों से लड़ने के लिए पुण्य की सेना तैयार करनी पड़ेगी, तब कहीं जाकर के उस कर्मों को हम पराजित कर पाएंगे। लेकिन हम लोग इस बात को सोचते ही नहीं हैं। संसार में आने के उपरांत पुण्य के प्रभाव से थोड़ी बहुत जो संपत्ति वैभव मिल जाता है उसका हम दुरुपयोग करके मात्र भोगों में नष्ट कर देते हैं, और तिलतुस मात्र भी हम आगामी काल के लिए पुण्य का आश्रय नहीं कर पाते हैं। और आप लोग जो भी अभाव की जिंदगी जीते हैं उनसे भी हमारा कहना है कि उनको देखो आप कि वो बड़े आदमी क्यों बने, तो पुण्य के प्रताप से बड़े। और हमें संसार में सबसे ज्यादा अगर कुछ जोड़ना है तो पुण्य को जोड़ना है। क्या जोड़ना है? हाँ, बिना पुण्य को जोड़े कोई भी व्यक्ति एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकता। यहां तक कि पापी की सफलता भी पुण्य के आश्रित होती है। किसके आश्रित होती है? कोई भी चोर चोरी करने में सफल कब होगा? जब पुण्य का उदय होगा। अब सोच लो आप लोग, पुण्य के महात्म को आप देखो कि पापी की सफलता भी किसके ऊपर आश्रित हो गई है? पुण्य के ऊपर आश्रित हो गई है। हाँ, और आज इस कलिकाल में, इस कुल में वीतरागता के जन्म लेकर के उस पूर्व संचित पुण्य को हमने भंजा दिया है। क्या कर दिया है? जो एफडी थी ना वो तोड़ दी है। हाँ, अब आगामी काल के लिए आपने क्या संचय किया जरा सोचो, क्योंकि पुण्य के माध्यम से वैभव मिला है। और जो जीव इस वैभव को धर्म के क्षेत्र में पुनः बो देता है तो उसका पुण्य सात से पुण्य के रूप में बदल जाता है। रावण का पुण्य भी था, उसने अपने पुण्य के प्रभाव से सोने की लंका बना ली। भरत चक्रवर्ती का भी पुण्य था और उसने अपने पुण्य के प्रभाव से सोने के मंदिर बनवा लिए। ये है पुण्य का सदुपयोग और दुरुपयोग। आप क्या चाहते हो जरा सोचो। बंडा है, बंडा। बंडा जानते हो किसको बोलते हैं?
जहां पर बहुत सारा माल रखा जाता है ना, उसको बंडा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाँ, हम लोग गुरु जी के साथ में महाराजपुर गए थे, बीना बारा के पास महाराजपुर है, तो वहां रोडों में बंडा बने हुए हैं। हाँ, घर के सामने बंडा बने हुए। हम बोले क्या है? हाँ, वहां के सेठ लोग क्या करते हैं, महाराजपुर ऐसा गांव है जहाँ घर घर खेती है लोगों के पास में, अधिकांश लोगों के पास में, तो अनाज ला के रख देते, दो तीन साल भूल जाते हैं वो लोग, जब रेट बढ़ता है तो निकाल के बेच देते हैं। हाँ, तो ऐसे ही हमें भी जो पूर्वोपार्जित पुण्य के उदय से ये पर्याय मिली है, इसे भोगों में नष्ट नहीं करना है। गुरु जी कहते हैं, तन मिला तुम तप करो, करो कर्म का नाश, रवि शशि से भी तेज है तुझ में दिव्य प्रकाश। जैन धर्म बोलता है त्याग की शुरुआत करो। एक मछली का त्याग करने वाला क्या बन रहा है, जरा सोचो क्या उसकी गति हो रही है। एक अहिंसा अणुव्रत को धारण करने वाला, देव आकर के उसकी आराधना कर रहे हैं, अब बताओ। और हमारे पास में तो वह कुल मिला है कि जन्म से हमें पानी छान करके पिलाया गया, अब उस कुल में आकरने के उपरांत उस कुल की अवहेलना अगर हम करते हैं तो सोच लो आपकी क्या गति होगी। धर्म बहुत बड़ा मित्र भी होता है और धर्म शत्रु भी होता है। महाराज, धर्म शत्रु होता है? हाँ, धर्म शत्रु भी होता है। सुन रहे हो? आओ तो कहो। ओ, पीछे वाले बात कर रहे हो, समझ में आ रहा है क्या बोला हमने? धर्म मित्र भी होता है और धर्म शत्रु भी होता है। संसार का शत्रु तो एक बार तुम्हें माफ कर देगा, लेकिन अगर धर्म को शत्रु बना लिया तो धर्म कभी माफ नहीं करता है, धर्म सजा देता है। क्या करता है? हाँ, राजा श्रेणिक ने जैसे ही धर्म को शत्रु बनाया, सातवें नरक का बंद कर लिया उसने, जैसे ही उसने धर्म की अवहेलना की। लेकिन जैसे ही उसने पश्चाताप किया, ओहो मैंने गलती की, धर्म ने बोला ठीक है गलती तो की है, सजा तो माफ कर दे रहा हूं तुम्हारी, लेकिन नरक तो जाना पड़ेगा। क्या होगा? नरक तो जाना पड़ेगा, क्योंकि गलती की है तूने, उस गलती का एहसास दिलाने के लिए दंड स्वरूप तुम्हें वहां जाना पड़ेगा। जैसे कैदियों की दशा होती है ना, कि कैदी जेल में है और अगर जेल में अच्छे कार्य कर देता है तो उसकी सजा क्या होती है, कम हो जाती है। ऐसी धर्म कहता है सजा तो कम कर दूंगा लेकिन जेल तो जाना पड़ेगा। अब बताओ, वो आपको माफ नहीं कर रहा, पूरी तरह से दंड दे रहा है। इसलिए श्रावक पर्याय को प्राप्त करने के उपरांत प्रत्येक श्रावक का यह कर्तव्य बन जाता है कि जिस कुल की जो परंपरा हमें प्राप्त हुई है उस परंपरा का निर्वहन पूरे परिवार को करना चाहिए। आज्ञा सम्यक्त्व के अंतर्गत कहा है कि भैया जैनी की तीन पहचान है, क्या? पानी छान के पियो, भगवान की पूजन अर्चना आराधना करो और रात्रि भोजन त्याग करो। अब बताओ इसमें क्या समस्या है? आज इन तीन बातों से जैनी की पहचान होती थी और आज हमने अपने धर्म की पहचान स्वयं खत्म की। आज जैन धर्म के पतन का कारण अगर कोई बनेगा तो स्वयं जैनी बनेंगे। कौन बनेगा? और किसी की ताकत नहीं है जैन धर्म को नष्ट करने की। जैन धर्म को नष्ट जैनी ही करेगा। और जैन धर्म नष्ट कैसे होगा? जब उसके सिद्धांतों को आप इग्नोर करोगे, अनदेखा करोगे, उन्हें पालन के रूप में अपने जीवन का अंग नहीं बनाओगे तो धर्म अपने आप समाप्त होता चला जाएगा। आज छोटे छोटे नियमों के माध्यम से आप लोगों को नियम दिया जाता है महाराजों के माध्यम से, बेटा रात्रि को त्याग करो, आप लोग पूजन अभिषेक का नियम लो। बड़े दुख की बात है ये, आप इसे अच्छा नहीं मानना।
जो कुल के रूप में हमें मिला है, विरासत के रूप में मिला है, आज हम अपनी विरासत को ही खो रहे हैं, अपनी संपत्ति को ही हम लुटा रहे हैं। संपत्ति को लुटाने वाले की दशा क्या होती है? वह कंगाल हो जाता है, दर दर का भिखारी हो जाता है, धर्म की अवहेलना एक दिन ऐसा आपको सबक सिखाएगी कि आप उस कुल के लिए तरस जाओगे, विष्ठा के कीड़े बन जाओगे। हाँ, धर्म ने आपको इतना ऊपर उठाया है तो हमारा कर्तव्य है हम भी धर्म को ऊपर उठाएं। जरा सोचो, पूर्वोपार्जित पुण्य कर्म के उदय से पर्याय मिली है, जैन कुल मिला है। मनुष्य तो बहुत सारे होते हैं, कितने होते हैं? बहुत सारे होते हैं। बात नहीं करो, चिंतन करो थोड़ा सा। मेहतरानी के यहां पैदा होती तो क्या कर रही होती अभी? सोचो थोड़ा सा, चिंतन करो। मेहतरों के यहां पैदा होते, नीच कुल में पैदा होते तो क्या कर रहे होते आज? वो भी मनुष्य हैं, नहीं है क्या? हाँ, आप लोग सेठानी बनकर के घूम रहे हो, सेठ बनकर घूम रहे हो। ऐसा तुमने क्या किया कि तुम्हें यह कुल मिला? जरा सोचो, उनने मनुष्य पर्याय प्राप्त की, लेकिन उन्हें कौन से कार्य करने पड़ रहे हैं? चिंतन करो थोड़ा सा, इस दिशा में चिंतन की धारा को बढ़ाओ कि मैं ऐसा क्यों हुआ और वो ऐसा क्यों हुआ। जरा सोचो, जैन कुल पाकर के आचार्यों ने तीन दुर्लभ कार्य कहे हैं। सुन रहे हो? ओ जैनियों, जैनियों के लिए तीन दुर्लभ कार्य कहे हैं। कितने कहे हैं? पहला, भगवान का अभिषेक पूजन करना, बहुत दुर्लभ कार्य है, आप इसे मामूली मत समझना। हाँ, बहुत दुर्लभ कार्य है ये। दूसरा, महाराज के हाथ में एक ग्रास रखना, बहुत दुर्लभ कार्य है। और तीसरा, स्वयं मुनि बनकर के विचरण करना। ये तीन दुर्लभ कार्य कहे गए हैं। महाराज, दुर्लभ क्यों है? प्रश्न तो पूछो आप। हम तो अभिषेक ऐसे ही करके आज हैं, काहे को दुर्लभ आप बोल रहे हो? कल तो इतने होने हैं, आदिनाथ भगवान को मोक्ष कल्याणक है ना। क्या है कल यहां पर? हो, यानी आप लोगों ने महाराज जी को रोक लिया लगता है। हम लोगों का बिहार काल चल रहा है। कौन सा काल चल रहा है? हाँ, लेकिन अभी अभी भैया जी बोल रहे थे, मुझे भी पता नहीं है कि महाराज जी ने परमिशन दी है कि नहीं दी, लेकिन भैया जी कह रहे थे यहां पर 24 भगवान बैठेंगे। कल भगवान का क्या है? मोक्ष कल्याणक है। अब अभिषेक करना दुर्लभ कितना है सोच लो। क्यों दुर्लभ है अभिषेक करना? जानते हो कैसे दुर्लभ है? आप इसे सहज मत समझना, क्योंकि पहला तो मिथ्यात्व रोकता है इस कार्य को करने के लिए, मोह रोक देता है, प्रमाद रोक देता है, और चौथा यह शरीर रोक देता है। हाँ, ये तीन कार्य मैंने दुर्लभ कहे। दुर्लभता क्यों है इसकी, जैन समाज के लोग सुनना, कि अगर एक हाथ कट गया आपका, विकलांग हो गए, क्या हो गए आप? एक हाथ कट गया, कुष्ठी कोड़ी हो गए, सफेद दाग हो गया, कोड़ निकल गया, तो आप भगवान का अभिषेक नहीं कर सकते, आप महाराज को आहार नहीं दे सकते, और आप स्वयं मुनि नहीं बन सकते। अब बताओ, ये तीन कार्य सरल हैं कि दुर्लभ हैं? इसीलिए तो कहते हैं, विपत्ति आने के पहले इतना पुण्य जोड़ लो तो विपत्ति हमारे जीवन में आए ही ना। हाँ, विपत्ति आने के उपरांत हम धर्म करें, अभाव हमारे सामने प्रकट हो जाए उसके उपरांत हम धर्म करें। ये तो वही बात हो गई आग लगने के बाद में कुआं खोदना। फिर क्या करेंगे? कर्म जब तक फल के रूप में नहीं आता है तब तक सम्यक दृष्टि अपने पुरुषार्थ के माध्यम से उस कर्म को धर्म ध्यान के माध्यम से ऐसे झरा देता है कि वह उसकी उदीर्णा पता नहीं कब हो जाती, कब निकल जाता है पता ही नहीं चलता है। हाँ, जैसे अभी आप लोग कहाँ बैठे हो, उदाहरण दे रहा हूँ, आप लोग धर्म देश न सुन रहे हो, और इसी समय कर्म का उदय आपका एक्सीडेंट के रूप में था। किस रूप में था? हाँ,
लेकिन इस काल को जो एक्सीडेंट के रूप में था आपने कहाँ व्यतीत कर दिया? धर्म देशना के सुनने में, धर्म क्रियाओं को करने में। वह कर्म उदय में आया और निकल गया, आपको फल नहीं दिया। ऐसे बहुत सारे कर्म के उदीर्णा उदय होते हैं जो बिना फल दिए निकल जाते हैं, लेकिन उसका माध्यम मात्र एक धर्म ध्यान ही हुआ करता है। और हम लोग आज इस धर्म ध्यान से बहुत वंचित होते जा रहे हैं। भगवान की पूजा आराधना मामूली बात नहीं है, भगवान का अभिषेक करना मामूली बात नहीं है, असंख्यात गुणी कर्मों की निर्जरा इसमें बताई गई है। हाँ सोचो आप, मात्र पंच कर्णकों की झांकियों में जब हम देखते हैं कि वह सची इंद्राणी तीर्थंकर भगवान को जो अपने हाथ में लेती है, ओहो क्या कहना। मात्र स्त्री पर्याय का एक यही एक पद है सिद्धांत में जो एक भवतारी है, कौन सा है? हाँ अब बताओ, भगवान का अवलोकन जब करती है उसकी विशुद्धि परिणाम इतने बढ़ते हैं कि वह बहुत सारे कर्मों का वहीं पर क्षय कर देती है, सम्यक दर्शन को प्राप्त कर लेती है और एक भाव में वह मुक्ति का पात्र बन जाती है। ये सठ आवश्यक भगवान की भक्ति पूजा आराधना जो है ये साक्षात तीर्थंकर प्रकृति के बंध के कारण भी कहे गए हैं। सोलह कर्ण भावनाओं में सठ आवश्यक काल जो साधे तो ही तीर्थंकर पद भी पावे। अब बताइए आप, भगवान की भक्ति पूजा आराधना सामान्य नहीं है। अगर आप इस भगवान की भक्ति पूजा आराधना को किस दृष्टि से करें, बंदे तद्गुण लब्धे, जैन दर्शन की प्रत्येक क्रियाएं बंदे तद्गुण लब्धे को लेकर के होती हैं। भगवान की पूजन करो, अभिषेक करो, भगवान का मंदिर बनवाओ, मूर्तियां रखो, तो उसमें क्या भाव होना चाहिए? बस। और ये क्रिया कर्मों की निर्जरा में मात्र युक्ति चाहिए। क्या चाहिए? ज्यादा पुरुषार्थ नहीं करना है, लंगड़े लूले भी हो ना तो कर्मों की निर्जरा आप बैठे बैठे कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? हाँ, परिणामों के माध्यम से। भगवान मैं कब आप जैसा बनूं, भगवान कब इसका दुख दूर हो जाए, मेरे कर्म का उदय आया है मेरे जीवन में, भगवान मुझे इसको सहने की शक्ति दो। ये है अपाय विचय विपाक विचय धर्म ध्यान। क्या है अब बताओ मुझे, दूसरे के लिए अच्छा सोचने के लिए तुम्हें कौन सा धन खर्च करना है, तुम्हें कौन से शरीर को अपने उसके कार्य में लगाना है? तीर्थंकर क्या करते हैं? जग कल्याण की भावना करते हैं। भगवान संसार के जितने जीव हैं सभी का कल्याण हो जाए, भगवान सभी को सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाए, सभी का व्यसन छूट जाए, सभी के रोग शोक दूर हो जाए, ये अपाय विचय धर्म ध्यान है। अब इसके करने के लिए तुम्हें क्या चाहिए मुझे बताओ ना। लेकिन क्या बताएं, संसार के कार्यों में तो इतना सोचते विचारते हैं, उसकी स्कीम बनाने में लगे रहते हैं, लेकिन धर्म ध्यान नहीं कर पाते हैं। हाँ, और यूं ही पूरी जिंदगी कैसे निकल जाती है पता ही नहीं चल पाता है। कब बचपन निकल गया, कब जवानी गायब हो गई, अब बुढ़ापा आ गया। क्या कर रहे हो? आ गया ना, अब क्या करें? क्यों जैन साहब, अभी तक जो उम्र पाई उसमें क्या तरक्की की आपने? प्रश्न पूछा गया आपसे। क्या प्रश्न पूछा? महाराज एक स्टार लग गया मेरे को। क्या लग गया? दो स्टार लग गए, तीन स्टार लग गए। हाँ ठीक है, इसके बाद रिटायरमेंट, उसके बाद बताओ क्या है इस मनुष्य पर्याय का उपयोग? क्या है? मात्र उपभोग में ही इसे नष्ट कर दोगे कि इसका उपयोग भी करोगे कुछ? क्योंकि ये सामग्री पहले कह चुका हूं अपनी नहीं है, पुद्गल की है, और पुद्गल की सामग्री पुद्गल स्वयं छुड़ा देगा। जो आपको 10 प्राण मिले हैं ये भी पुद्गल के ही हैं। सुख दुख जीवित मरणोपग्रहाश्च, ये सूत्र आ गया,
सुख दुख जीवन मरण जो भी है सब पुद्गल के उपकार के रूप में मिले हैं, और इस उपकार का हम अगर सदुपयोग कर लें, क्योंकि दुश्मन को अगर मारना है तो दुश्मन के दुश्मन से ही अपन को मिलना पड़ेगा। अब हमें पुद्गल को नाश करना है, कर्म भी पौद्गलिक हैं, शरीर भी पौद्गलिक हैं, ये सब पौद्गलिक हैं, तो इस शरीर को आप ढाल बना करके, अपने भावों को तलवार बना करके जब कर्मों पर वार करोगे तभी जाकर के वह कर्म नाश होंगे, और कर्म नाश के लिए आपको अपने कर्तव्य का पालन करना ही होगा। षट आवश्यकों के माध्यम से असंख्यात गुणी कर्मों की निर्जरा होती है, पूजन पाठ के माध्यम से असंख्यात गुणी कर्मों की निर्जरा होती है। बाद में आते हो महाराज, शांति धारा करवा दो। क्या करवा दो भैया? पहले से रोज अभिषेक कर लो तो काय को इतनी दिक्कत पड़े है? थोड़ी थोड़ी जोड़ते जाओ, पोस्ट ऑफिस में रेकरिंग खाता खोल लो थोड़ा सा, क्या कर लो, हाँ 100 रुपया भी रोज डालो तो साल में 36,000 हो जाए, कितने हो जाए न हो जाए, हो जाए भैया तो इकट्ठी रकम मिल जाए। तो थोड़ा थोड़ा धर्म करके हम पुण्य का संचय करते जाएं अपने जीवन में, रोग शोक बीमारी व्यथा ये सब थर्मामीटर हैं। क्या हैं? आचार्यों ने विपत्ति को थर्मामीटर कहा है। क्या कहा है? हाँ, अब उस विपत्ति को थर्मामीटर को समझने की बुद्धि चाहिए। पहले क्या चाहिए? शरीर में जो कुछ भी विपत्ति आती है, व्याधियां आती हैं, परिवार में जो भी समस्याएं आती हैं, ये आपको संकेत करती हैं। क्या संकेत करती हैं? सुन रहे हो? का देख रहे थे होते कब नहीं देखोगा एक दूसरे को तुम और अन्य है? हमारी बात सुन लो तनक सो। हाँ, तुम्हारे मतलब की कह रहे हैं, हमारे मतलब की कछु नहीं है। हम जितने भी बात कह रहे हैं सब की के मतलब की कह रहे हैं, जो जो बैठे हैं ना जमीन में, जमींदारों के लाने कह रहे हैं हम। हाँ, हमारे मतलब की तो हम समझ गए हमें क्या करने हैं, हम तुम्हारे मतलब की समझा रहे हैं, और तुम अपने मतलब की न सुनो बमाना वाले, तो हो गई रात सोत में गई प्रात खात में गया, रात सोत में गई प्रात खात में गया, फिर हमारी जिंदगी से एक दिन निकल गया, हाय कुछ न कर सके न पीर पर की हर सके। दयावान बनने हैं तो अपने प्रति दयावान बनो, दूसरे के प्रति नहीं। हाँ, दया करनी है तो अपने ऊपर दया करो। इस संसार में दया का पात्र अगर कोई है तो व्यक्ति स्वयं है। कौन है? स्वयं दया का पात्र है। तुम अपने आप को ज्यादा होशियार मत समझो, सब दया के पात्र हो तुम लोग। क्यों दया के पात्र हो? क्योंकि तुम्हें भी यही नहीं मालूम है हमें करना क्या है, और उस अज्ञानता में ऐसे डूब गए हो, इतना लीन हो गए हो कि तुम्हें कुछ भी पता नहीं है कि संसार में आने का प्रयोजन क्या है, मनुष्य पर्याय प्राप्त करने का प्रयोजन क्या है। हाँ, समझो थोड़ा सा, क्योंकि अगर हम इस पर्याय में नहीं समझ पाए तो आचार्य महाराज बोलते हैं भगवान महावीर स्वामी को तो शेर की पर्याय में समझ में आओ तो, काय में आओ तो, जिनकी कल मोक्ष कल्याणक बना रहे हो आप लोग, इन्हें समझ में आओ तो नेवलास सर्प कौन कौन से चार जीव थे जो महाराज के आहार देख रहे थे, तब उनको सम्यक की प्राप्ति हुई। ओहो, देखो तो हम इस पर्याय में है कि हम मात्र अनुमोदना कर सकते हैं, और अनुमोदना का फल देखो जैन धर्म में कृतकारित और अनुमोदना, ये तीन बातें कही गई हैं। अनुमोदना का फल देखो कि एक जीव तीर्थंकर बन रहा है अनुमोदना के प्रभाव से, एक चक्रवर्ती बन रहा है, एक कामदेव बन रहा है, और एक दान तीर्थ प्रवर्तक राजा श्रेयांश बन रहा है। अब ये जीवों ने अनुमोदना की थी, तुम उरे तो साक्षात कर सकते हो। क्या कर सकते हो? साक्षात करने की योग्यता आपके अंदर है, और आप लोग इस योग्यता को अनुमोदना में बदलेंगे तो पहले फिर त्रियंच बनना पड़ेगा आपको। क्या करना पड़ेगा? इसलिए भैया मनुष्य भाव में आ चुके हो
और कल हम देख रहे हैं बंडा वाले कितनी मन से नहीं तन से कर रहे हैं, क्योंकि मनुष्य पर्याय मिली है तो मन भी लगाना पड़ेगा और तन भी लगाना पड़ेगा और बोल दो ना अपने मुंह से। हाँ, धन की बात आ तो मौन हो जात है, क्या करिए, मुंह में दही जम जात है। लेकिन नहीं, जेनी तो सम्यक दृष्टि इस बात को जानता है कि दान जो है बीज के रूप में कहा गया है, और ये दान हमारे लिए भोग को प्राप्त कराने वाला है। श्रावकों के लिए श्रावकाचार्य में समंतभद्र स्वामी जी ने स्पष्ट कह दिया, उच्चर गोत्रम प्रणते भोगो दाना दुपासनात् पूजा भक्ते सुंदर रूपम स्तवनाथ कीर्ति तपो निधसो। इस कारिका के माध्यम से आचार्य महाराज ने वह प्राप्त करने का उपाय बताया जो आप लोग प्राप्त करना चाहते हो। उच्चर गोत्रम प्रणते, उच्च गोत्र की प्राप्ति कैसे होती है, तो महाराज ने उपाय बताया कि जो इन पंच परमेष्ठियों को नमस्कार करता है, क्या करता है, भोगो दाना, जो इनको दान देता है तो उनको भोग की प्राप्ति होती है। आप लोगों को जो भोग प्राप्त हो रहे हैं ना, ये क्यों हो रहे हैं, संसार के भोग की प्राप्ति। आप लोगों ने बहुत दान दिया होगा इसलिए भोग की प्राप्ति हो रही है आपको। भक्ते सुंदर रूपम, इनकी भक्ति करने से क्या होगा, सुंदर रूप की प्राप्ति होगी। ऐसे नहीं होगी, नृत्य करना होगा, भक्ति करनी होगी, आराधना करनी होगी, तन मन धन सब खर्च करना होगा। तुम्हारा कुछ है नहीं, ये सब पुण्य से मैंने पहले कहा आया है, और पुण्य से आया है तो पुण्य में इसे लगा दो। किसान कभी भी बीज को बचा करके नहीं रखता है, वो जानता है मेरे पास में 50 एकड़ की खेती है तो मैं 50 एकड़ में कितना बीज मुझे डालना है, और उतना बीज अगर वह डालता है, क्योंकि सिद्धांत है जितना बीज डालोगे जितनी बोनी करोगे उतनी फसल तुम्हारे सामने आएगी। जैन धर्म का ये सबसे बड़ा सिद्धांत है, बीज राग फल भोग है जो किसान जग माहे, ये बहुत अटल सिद्धांत है। और इस सिद्धांत को आप मामूली मत समझो, जो जैन धर्म में दान की परंपरा बताई गई है ये आपके उज्जवल भविष्य के लिए है। इसमें हमारा कुछ नहीं होना है, बल्कि तुम्हारा ही बढ़ना है आगे, तुम्हारी तरक्की होनी है। क्योंकि दान के माध्यम से सबसे पहले सिद्धांत यह पर यहाँ आ जाता है कि जो व्यक्ति दानी होता है उसको नरकायु का बंध नहीं होता है। क्या नहीं होता है, हाँ, क्यों, बहबा रंभ परिग्रह तुम नारकस्या युषा, ये सिद्धांत आ गया है, सूत्र आ गया कि अगर संसार के कार्यों में बहुत आरंभ परिग्रह की बुद्धि रखोगे ना तो मरकर कहाँ जाओगे, नरक जाओगे। अब बताओ, पुण्य के उदय से तो कुल मिला, संपत्ति मिली, भोग मिला, और इसका दुरुपयोग करके इसमें आसक्ति भाव रख के, इसमें राग भाव रख के, इसमें मोह भाव रख के हम नरक जाने की तैयारी कर रहे हैं, ये आपकी होशियारी है कि मूर्खता है, ऐ बताओ, मूर्खता है ना, तो काय मूर्खता कर रहे हो, एक झापड़ दे ठीक हो जाओ तुम। ऐ बच्चा जब बदमाशी करता है ना तो आप लोग कैसे करते हो, एक दही कान के नीचे तो तुम्हें समझ में आ गई है, उसको तो आप डांट देते हो, हम तुम्हें कैसे करें बताओ, पहले हम तुम्हें कैसे मारें भैया, कैसे समझाएं मक्खू, हैं बताओ हम कैसे समझाएं। हम तो मात्र बोल के ही समझा सकते हैं, समझना आपको स्वयं पड़ेगा। दिव्य देशना में तीर्थंकर मात्र सत्य का स्वरूप उद्घाटित करते हैं कि सत्य ये है, इसका पालन करोगे तो ये होगा, इसका पालन करोगे तो ये होगा। जितना भी सत्य असत्य है सबकी प्ररूपणा देशना के माध्यम से तीर्थंकर करते हैं, पाप का फल बताते हैं, पुण्य का फल बताते हैं, सब कुछ आपके सामने बिल्कुल दर्पणवत रख देते हैं और कहते हैं ये सब परिणामों के अधीन है। किसके अधीन है, हाँ, आप ऐसे परिणामों के साथ क्रिया करोगे इसका फल ये होगा, और ऐसे परिणामों के साथ क्रिया करोगे तो इसका फल ये होगा,
परिणाम किसके हैं? बस ये है जैन धर्म का स्वरूप। इसलिए जो कुल परंपरा से हमें भगवान की भक्ति पूजा आराधना का आज अधिकार मिला है, योग्यता मिली है, उस योग्यता को हमें छिपाना नहीं चाहिए। और परिवार का ये दायित्व तो बन जाता है, 8 वर्ष अंतर मुहूर्त तक हमारे यहाँ वह बालक, उसके पहले तक अज्ञानी कहा गया है, और 8 वर्ष अंतर मुहूर्त के पहले तक की क्रिया जो भी वह करता है उसका उत्तरदायित्व तो माता पिता के ऊपर रहता है। सुन रहे हो, जो बच्चे आपके यहाँ जन्म लिए हैं उसे कुल की परंपरा से अवगत कराने का कर्तव्य किसका होता है? माता पिता का होता है। बेटा अपन जैन है, ब्रह्मकार मंत्र, पाठशाला जाओ, पूजन पद्धति, जो भी क्रियाएं हैं वो सिखाने का दायित्व तो किसका होता है? आपका होता है। सम्यक्त वर्धनी क्रिया के अंतर्गत कहा गया है कि जब वह बालक 8 वर्ष अंतर मुहूर्त का हो जाता है तब उसे उसके जो परिवार के लोग हैं मंदिर में बोलते हैं, बेटा ये तुम्हारे आराध्य देव हैं, ये बीतरागी प्रभु हैं, और अपन को भी ऐसा ही बनना है। कैसा बनना है? और ऐसा कब बनेंगे? जब इनकी भक्ति पूजा आराधना करेंगे। क्योंकि तो जो जैसा बनना चाहता है वैसी क्रिया करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? डॉक्टर बनना चाहते हो तो क्या करना पड़ेगा? डॉक्टरी पढ़नी पड़ेगी। इंजीनियर बनना चाहते हो तो इंजीनियरिंग पढ़नी पड़ेगी। सीए बनना चाहते हो तो सीए पढ़ना पड़ेगा। और भगवान बनना चाहते हो तो हमारी विद्यासागर यूनिवर्सिटी में आपको भर्ती होना पड़ेगा। कहाँ भर्ती होना पड़ेगा? कौन सी यूनिवर्सिटी में? विद्यासागर यूनिवर्सिटी है, वहाँ पर आपको वीतरागता का पाठ सिखाया जाएगा। लेकिन भर्ती कौन होगा? जिसे बनना होगा। इसलिए अभी तक अगर आपने लक्ष्य नहीं बनाया है संसार में आने के उपरांत, तो आज आप लोग बंडा में बैठे बैठे, ओ माताओं, ओ भाइयों, सब कोई ये लक्ष्य बना के चलना कि मुझे मुनि बनना है, मुझे आर्यिका बनना है। हम लोग जब दीक्षा नहीं हुई थी, ब्रह्मचारी अवस्था में थे, तो गुरुजी से हम लोग ने बोला, आचार्य श्री कोई मंत्र दीजिए, हम लोग इस संसार में कैसे रहें, कैसी भावना करें। हम 32 ब्रह्मचारियों का ग्रुप था, आचार्य श्री ने एक ही मंत्र दिया, बोले आप लोग ये भावना करो कि मुझे मुनि बनना है। भावना भव नाशनी। क्या कहा गुरुजी ने? जबलपुर की बात है, सन 2004 दीक्षा के पहले की बात है। और हम लोगों ने 15 ही दिन ही वो मंत्र फेरा होगा, मुझे मुनि बनना है, और वो मंत्र फलीभूत हो गया, हम लोग मुनि बन गए। क्या हो गया? अब देखो, मुनि बनने के बाद में हम लोग जब आचार्य जी के साथ पहला प्रतिक्रमण किया तो हमारे आगम सागर महाराज जी बोलते हैं, महाराज जी आपने जो मंत्र दिया था वो तो पूरा हो गया, अब आगे क्या करें? बोले नहीं, जब तक मुक्ति नहीं मिलती है तक मंत्र पूरा नहीं होता है। अब तुम ये भावना भाव, हमारा समाधि पूर्वक मरण हो। कैसा मरण हो? हाँ, बोले देखो, श्रमण बनने के उपरांत जितनी भी क्रिया आप लोग कर रहे हो धर्म की, उसका अंतिम लक्ष्य क्या है? अंते समाहि मरणम। क्या है? हाँ, प्रत्येक जीव को अपने जीवन में लक्ष्य लेकर के चलना चाहिए। अच्छा विद्यार्थी, ऊंचे पदों पर पहुंचने वाला जो व्यक्तित्व होता है, वह प्रारंभ से ही अपने जीवन में लक्ष्य को लेकर के चलता है कि मुझे क्या बनना है। बस संसार के लक्ष्य अनंतों बार आपने बनाए, कामयाब भी हुए, जिस पद की आपने इच्छा की वो पद आपको अनंतों बार मिले, लेकिन उन पदों से इस आत्मा का कभी भी कल्याण होने वाला नहीं है। संसार के कार्यों से, संसार के पद प्रतिष्ठा से, संसार के वैभव से इस आत्मा का कभी भी कोई कल्याण न हुआ है और ना होगा। आत्मकल्याण का मार्ग इन सब का परित्याग करने से ही होगा। परित्याग करने का साहस नहीं कर पा रहे हो,
कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम परित्याग करने की भावना तो रखो। हम सत्य को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं, सत्य को हम अपने जीवन का अंग नहीं बना पा रहे हैं, लेकिन सत्य को सत्य के रूप में जानने का पुरुषार्थ तो करो। हाँ, वास्तव में सत्य यही है, मूल कर्तव्य तो यही है। मैं भले मुनि नहीं बन पा रहा हूँ, मैं भले आर्यका नहीं बन पा रही हूँ, लेकिन मुझे आगे इस पद को अंगीकार करना है। आप बनो या नहीं बनो, इससे मुझे कोई मतलब नहीं है। लेकिन भावना में दरिद्र हम क्यों बने? भावना में दरिद्र थी क्यों? कम से कम 5 मिनट बैठ करके प्रत्येक जीव को एकांत में ये चिंतन करना चाहिए, मुझे मुनि बनना है। एकत्व के स्वरूप का चिंतन करना चाहिए, जहां देह अपनी नहीं तहां ना अपना कोई। ये परपंच संसार के चलते रहेंगे, ये कभी रुकने वाले नहीं है। संसार का अंत न कभी हुआ है और न कभी होगा। इस संसार से हमें ही अपने आप को अलग करना होगा। भेद विज्ञान और कुछ नहीं है। भेद विज्ञान के अंतर्गत यही कहा गया है कि इस शरीर को जो आज तक आपा मानते आए हैं, इसे परमानो, ये अपना नहीं है। जब कभी भी उपसर्ग परिसह होते हैं, उन उपसर्ग परिसहों में जो इस शरीर को वेदना होती है, उस वेदना का प्रतिकार उस भेद विज्ञान के माध्यम से ही होता है। और वह भेद विज्ञान जीवन में आपको स्वयं प्रकट करना होगा, अपने भावनाओं के माध्यम से, अपने परिणामों के माध्यम से, अपने चिंतन के स्वरूप के माध्यम से आपको स्वयं से अपने आप को पहचानने का पुरुषार्थ करना होगा। पर को पर मानने का पुरुषार्थ करना होगा, निज को निज मानने का पुरुषार्थ करना होगा। क्योंकि जब तक हम निज को नहीं पहचानेंगे, तब तक हम जिन बन भी नहीं पाएंगे। इसलिए जिन कौन बनता है? जो निज को पहचानता है। और जो पर को अपना मानता है वह जिन बनता है। क्या बनता है? हाँ, जिन जिन लोगों ने निज को देखा, वे जन जिन बन गए। सुन रहे हो? हाओ तो कहो, ऐसे मूड डुकरियों भाई मूड न हिलाओ, हाओ कहो। हाँ, मैंने क्या कहा? जिन जिन लोगों ने निज को देखा, वे जन जिन बन गए। और जिन जिन लोगों ने पर को देखा, वे जन जिन बन गए। क्या बन गए? जिन बन गए। अब तुम्हें जिन बनने हैं कि जिन बनने हैं, बताओ? हैं? हाँ, तो पूरे प्रवचन को सार का समझ में आओ आज, बताओ हमें। यही समझना है अपन को कि इस आत्मा के अलावा संसार में जो कुछ भी हमें प्राप्त हो रहा है वह सब पर है। क्या है? और वह पर अगर हम बुद्धिपूर्वक छोड़ देते हैं तो हमारा कल्याण अवश्य हो जाएगा, और नहीं तो अबुद्धिपूर्वक तो सब छूट ही जाएगा। आंख मुदने के बाद में फिर तुम्हारा कुछ रहेगा नहीं भैया। इसलिए खुली आंख में यह स्वीकार कर लो कि इस संसार में कुछ भी हमारा नहीं है। अहिंसा परमो धर्म की जय। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि, स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि, चिंतामणिम चिंतित वस्तु दाने, त्वां बंद मानस ममास्तु देवी। नौ वार्ड मुकार मत हाँ, कल 8 वर्ष से 80 वर्ष तक के जो बच्चे हैं ना, हमारे तो बच्चे कहाँ हैं, 8 वर्ष से 80 वर्ष तक के जो बच्चे हैं ना, कल धोती दुपट्टा पहन के सवेरे आ जाइयो जल्दी, तो हम देखें कि यहाँ बंडा वालों को समझ में आओ कि हाँ। जो आसपास के लोग भी आए हैं, जो यहाँ पहुँचने में सक्षम हैं, वो कल सभी यहाँ पर जो भगवान का अभिषेक होगा, मोक्ष कल्याणक मनाया जाएगा, क्योंकि यही हम लोगों के रोकने का एक माध्यम है और कुछ नहीं है। आशीर्वाद। हाँ, और कल महर्षि, कल 24 तीर्थंकर भगवान का यहाँ पर हाँ महामस्तकाभिषेक, अभिषेक शांतिधारा और निर्माण लाड़ू का कार्यक्रम पूज्य महाराज श्री
निर्यापक श्रीमण मुनि पोंगव श्री सुधा सागर जी महाराज जी के सत्संग सानिध्य में समय का ध्यान रखना, क्योंकि सबसे कीमती समय है। एक घंटे में आप 1 करोड़ कमा सकते हैं, लेकिन 1 करोड़ देकर के 1 घंटा नहीं कमा सकते हो। ऐसे 24 परिवारों को कल प्रातः है, 24 नहीं है, आप फिक्स मत करो, ज्यादा भी आ सकते, बंडा है ये। जी जी महाराज जी, जी जी जी। तो 1,11,000 में कुछ नाम हमारे पास आए हैं, मैं उन सौभाग्यशाली परिवारों के नाम यहाँ पर ले रहा हूँ। सम्मान श्री मुकेश सुरेश कुमार जी, मुकेश कुमार जी कलरैया परिवार बंडा। सम्मान श्री अशोक कुमार जी, डॉक्टर आशीष कुमार जी, नीलेश जी, पिंटू जी, समस्त ठेकेदार परिवार बंडा। सम्मान श्री नंद किशोर जी भाई जी बंडा। सम्मान श्री बाबूलाल जी, अमित कुमार जी भूषा बंडा, डॉक्टर राकेश कुमार जी, मुकेश कुमार जी, सुधीर कुमार जी बंडा, और सम्मान श्री अशोक कुमार जी नायक परिवार बंडा। इन्होंने कल 1,11,000 में प्रथम अभिषेक करने का सौभाग्य प्राप्त किया है, और इन परिवारों को कल मंदिर से अपने मस्तक पर श्री जी लाने का भी सौभाग्य इस पंडाल में मिलेगा। हाँ, इसलिए और भी जी पहले से बोल दो, बोली लगा तो फिर बहुत बढ़ जात बोली, वह अब सस्ते में है। हाँ, हाँ, बोली बढ़ जात फिर ज्यादा। हाँ, और भी जिनकी अभी नाम लिखाना हो पहले अपने नाम लिखा दें, ताकि आपको पहले स्थान मिलेगा खड़ा होने के लिए, है ना, पंडाल के पास में। और हाँ हाँ, और कल पूरा कार्यक्रम पूज्य महाराज जी के सत्संग सानिध्य में संपन्न होने जा रहा है, अतः प्रातः ठीक 7:15 से यहाँ पर कार्यक्रम प्रारंभ होगा। सभी लोग समय का ध्यान रखें, और यह पूरा कार्यक्रम लाइव चलने वाला है, 122 देश यह कार्यक्रम देखेंगे, इसलिए आप लोग हाँ, और समस्त जो बाहर से महानुभाव पधारे हैं उन सभी की भोजन की व्यवस्था, अच्छा पूरी सकल दिगंबर जैन समाज बंडा की आज की भोजन की व्यवस्था गुरु मंगल धाम में रखी गई है। सकल दिगंबर जैन समाज बंडा और बाहर से जो भी महानुभाव पधारे हैं उन सभी की भोजन की व्यवस्था रखी गई है। और आज पूज्य बड़े महाराज जी के आहार सम्मान श्री नंदी किशोर जी भाई जी के यहाँ हुए हैं, तो इस उपलक्ष्य में उन्होंने अपने घर में भजनों का बुलौआ रखा है, अतः समस्त महिला मंडल समस्त समाज उनके घर पर निज निवास पर पहुंचे। और हाँ, सारथी सेवा समिति की ओर से है, लाइव टेलीकॉम चल रहा, बहुत बढ़िया। और रात्रि में आज 1008 दीपों से यहाँ पर आरती होगी, पूरा पंडाल दीपों से गुंजायमान होगा, जगमगाहट होगा, और सभी लोग अपने अपने घर से एक एक दीपक लेकर के आना है, कोई खाली हाथ नहीं आएगा, ठीक है ना। बिल्कुल पीछे तक और लाइन से बैठना है, पहले से व्यवस्थित लाइन से बैठना सबको, जैसे आते जाएंगे लाइन से। माचिस भी आपको अपने घर से साथ में लेकर के आना है। दलपतपुर वाले भी पंडित जी हमारे बीच में है, कल सबको आना है सुबह 7 बजे। हाँ, ढाना वाले भी हैं बहुत सारे, टड़ा से, केसली से, सायपुर से, सागर से, कनवा से, बरा से, दलपतपुर से, सब जगह से, सायपुर से, सागर से, नैना नगर, नैनागर, पजनारी, पथरिया, बहुत जगह से श्रद्धालुगण आए हैं, खटोरा से कहते हैं। पर्ची नाम दीदी का, अच्छा एक नाम बहुत बढ़िया, निशंक परिवार, इन्होंने भी अपनी परिवार किसी ओर से कल 1,11,000 में अपना नाम दिया है, बहुत बढ़िया। मुन्नी दीदी जी ने जोरदार तालियां बजा करके पुण्य की अनुमोदना करें, बहुत सौभाग्यशाली परिवार होंगे, कल एक अद्भुत दृश्य आपको देखने को मिलेगा, भूतो न भविष्यति ऐसा मोक्ष कल्याणक आपने अभी तक नहीं मनाया होगा, कल आपको ऐसा दृश्य देखने को मिलेगा, पूरा पंडाल यहाँ पर भरा होगा, आगे से पीछे तक श्री जी यहाँ पर विराजमान होंगे, पूज्य महाराज श्री के सत्संग सानिध्य में सारा कार्यक्रम संपन्न होने वाला है कल, इसलिए